मैंने कहा था ना तुमसे, मैं कभी नहीं हारती। वो रही अग्नि और तुला, और ये रही दुल्हन। अब सिर्फ फेरे बाकी है, शादी भी हो जाएगी और मुझे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। जाइए, मुझे मजबूरन ये शादी रोकनी पड़ेगी। क्या मतलब है, क्यों रोकनी पड़ेगी ये शादी? देखिए, विक्रम शर्मा शादीशुदा है, कानून की नजर में इनकी दूसरी शादी नाजायज है। कौन कहता है? ये रहा विक्रम की पहली पत्नी गायत्री का साइंड किया हुआ डॉक्यूमेंट। इसमें साफ साफ लिखा है कि गायत्री को इस शादी से कोई एतराज नहीं है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जब पत्नी को एतराज नहीं है तो कानून क्यों एतराज करेगा? और गायत्री यहां पर अपनी खुशी से मौजूद है। आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। ये कागज आपने साइन किया हुआ है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। हो गई ना तसल्ली इंस्पेक्टर, और कुछ नहीं ना? चलिए पंडित जी पढ़िए ना मंत्र। ओम अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्था गतो पिवा। रुक जाइए पंडित जी। आप क्या ऑब्जेक्शन? आपने कहा कि ये कागज इन्होंने साइन किया हुआ है। क्या बकवास है ये इंस्पेक्टर, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इन्होंने खुद आपको बताया ना, और क्या सुनना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखिए, अगर ये शादी हुई तो मुझे आप सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों? जरा मैं भी तो सुनूं कि किस अपराध के लिए आप हमें जेल भेजेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार दो शादियां जायज नहीं है। जब विक्रम की पत्नी यहाँ पर मौजूद है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये विक्रम की पत्नी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? गायत्री मेरी भांजी है, इसकी शादी मैंने अपने हाथों से विक्रम के साथ कराई। जी नहीं, ये आपकी भांजी नहीं है। अगर ये विक्रम की पत्नी नहीं है तो और कौन है? गायत्री की हमशक्ल। विक्रम की पत्नी असली गायत्री मेरे साथ। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, अगर है तो कहाँ है, कहाँ है वो? मिसेस गायत्री शर्मा, ये सच है कि मैं ही गायत्री शर्मा हूँ। मैं अपने पति को अपना भगवान मानती थी, इसलिए जब इन्होंने सुधरने का नाटक किया मैंने इन पर विश्वास किया। माता के दर्शन का सपना दिखाकर ये मुझे वैष्णो देवी के मंदिर ले गए, लेकिन वहां रास्ता बदलकर भैरवनाथ मंदिर के बजाय ये मुझे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां भी इन्होंने मुझसे प्यार का नाटक किया,
और पहाड़ से धक्का देकर मुझे मारने की कोशिश की, और अब यहाँ आकर दूसरी शादी रचा रहे हैं। मल्लिका, क्या तुम एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर सकते हो जिसने अपनी पहली पत्नी को मारने की कोशिश की, उसकी हत्या करने की कोशिश की? क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि ये आदमी तुम्हारे साथ भी वही सब नहीं करेगा जो उसने मेरे साथ किया? नहीं मल्लिका, ऐसे इंसान के साथ शादी करने की गलती मत करना। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करें इसे? ये खूनी है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे मारने की कोशिश की, अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की। ओए, गिरफ्तार कर लो इसे, विक्रम शर्मा को। आपको इनकी बेटी कहते शर्म आती है, इससे तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। नहीं मल्लिका, मल्लिका, क्या हुआ मामी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है मुझे? लगता है आपने कोई भयानक सपना देख लिया। क्या देखा मामी? ये कि मल्लिका की शादी विक्रम से टूट गई। गायत्री ऐन वक्त पर शादी के मंडप पर आ पहुंची। तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? सच और सपने में सिर्फ एक रात की दूरी होती है मामी। अब भी समय है, अगर आपने अपना इरादा नहीं बदला तो इस सपने के अंत की तरह सच होगा। हो सकता है कि मल्लिका वाकई में अपनी जान दे दे। गायत्री, मैं विक्रम नहीं कामिनी हूं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। ठीक है मामी, आप सोच लीजिए, आप मल्लिका की शादी विक्रम से करवा कर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहेंगी, या फिर बाबूजी के सामने शर्मिंदा होकर इस शादी को रोकना चाहेंगे। वैसे मामी, दोनों सूरतों में हार तो आप ही की। गायत्री, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस खेल में जीत मेरी होगी। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है मामी। अब एक तरफ आपका अहंकार है और दूसरी तरफ आपका परिवार है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने अहंकार को जिताने के जुनून में आप अपने परिवार को हमेशा के लिए खो बैठे। वैसे एक बात याद रखिएगा, अहंकार कभी नहीं जीतता, उसकी हमेशा हार होती है, जीतने के बाद भी। अरे पूजा, कविता कहाँ है मेरी चीजें? कितनी बार तुम लोगों को कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें नहीं बुलाया था मैंने? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ विक्रम, अभी तुम्हारे पास समय है, मेरी बात मान लो। मल्लिका से शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। क्या देख रहा हूं तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम और सिर्फ बातें, नो एक्शन। मुझे डराओगी नहीं तुम, धमकाओगी नहीं?
जो तुम करने जा रहे हो उससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? सुधर जाओ विक्रम, अपना रास्ता बदल लो। इस घर में, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ गायत्री ही तुम्हारी पत्नी हो सकती है। मलिका से शादी करने का इरादा बदल दो विक्रम, वरना वरना क्या होगा? दूसरी शादी अगर मैं कर लूं तो क्या होगा? बोलो ना, चुप क्यों हो गए तुम? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। बोलो, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं होगा, बस इतना ही हो सकता है कि मैं अपनी अर्थी देख लूंगा या फिर 10 के बजाय 50 गायत्री नजर आएगी मुझे, है ना? मुझे डराने के लिए कौन सा नया मायाजाल बनोगी तुम? जवाब दो, क्या होगा? मलिका से शादी करके क्या होगा? गायत्री के साथ साथ फेरे लेकर तुम जिंदगी भर विवाह के बंधन में बन चुके हो। ये कभी मत भूलना विक्रम कि यही बंधन तुम्हें अभी तक बचा रहा है, वरना तुम कब गायत्री मर चुकी है और मैं उस इंस्पेक्टर की बातों पर यकीन नहीं करता, समझी तुम? मलिका से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तुम ना तुम्हारी देवी। ठीक है, मलिका के साथ अग्नि का हर फेरा मौत की तरफ तुम्हारा एक कदम होगा विक्रम। सात फेरे हो जाने के बाद गायत्री के विवाह बंधन से तुम मुक्त हो जाओ और जीवन से भी। और ये कोई धमकी नहीं है विक्रम, ना ही कोई मायाजाल, सत्य है, सत्य। सिर्फ सात फेरे और फिर, और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो विक्रम। मलिका, 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 मलिका,
क्या हुआ? इस लड़की ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या बात है, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करो, मलिका ऊपर नहीं है, घर छोड़कर भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो? ये खत पढ़ो सत्यन। मॉम एंड डैड, कुछ दिनों से मेरी आत्मा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। डैड ने सही कहा था, मुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी बहन गायत्री के घर पर डाका डाला है। ऐसा करके मैंने जो पाप किया है उसकी पूछ तले और नहीं जी सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं विक्रम से शादी नहीं करूंगी। अपने बच्चे को यहां से दूर लेकर जा रही हूं ताकि किसी को अपनी मनु शक्ल न दिखा सकूं। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा, आपकी बेटी मल्लिका। क्या बकवास है ये? आपको नहीं मालूम मल्लिका कहाँ गई? प्लीज विक्रम बेटा शांत हो जाओ। मैं माफी, शांत हो जाओ। मतलब वो शादी का मंडप छोड़ के कैसे जा सकती है? वो शादी आपको नहीं पता, आपको तो मालूम होना चाहिए। विक्रम कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे पता होता कि मैं उसे जाने देती, अगर एक बार वो अपनी मन की बात मुझे बताती तो मैं उसे समझाती बिना वजह कैलाश नाथ जैसे महापुरुष को कष्ट हो गया। देवी माँ मुझे माफ करे। एक मिनट, ये सब तुम्हारी चाल है, ये सब तुम्हारी चाल है। मैं जानता हूं तुम नहीं चाहती कि मैं मल्लिका से शादी करूं। मैं मल्लिका से शादी करूंगा, मैं मल्लिका को ढूंढ निकालूंगा। विक्रम बेटा, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, वो अब तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी भाभी, उसकी पेट में मेरा बच्चा है। विक्रम, ये शादी न हो, यही देवी माता। आप बस कीजिए बाबूजी। भाई सब सही कह रहे हैं विक्रम। मामी आप चुप हो जाइए, ये इस औरत की चाल है। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, मैं मलिका को ढूंढ निकालूंगा।